किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व वाली के असम हुसना में से इकतालीसवें नंबर जी फोर्टी तो इकतालीसवा नंबर है और ये अल हसीबू अलहसीब अल हसीबू का माना होता है सब के लिए काफी हो जाने वाला सब के लिए काफी हो जाने वाला ये हसीब होता है और ये जो है नाम कुरान करीम में अल्लाह तबारक वाल ने तीन जगह पर दोहराया है तीन आयतों के अंदर कुराना कुरान करीम में यह नाम आया है और इसका जो है अदद वो अस्सी है एटी।, एटी एटी इसका अदद है और अदद जो है उसका मुफरद अदद जो है इसका आठ है एट गो कि आठ दिन के बाद जो है अल्लाह तबारक वाल इस नाम के जलाल को ज़ाहिर फरमा सकते हैं जब इंसान इसका व्यर्थ करता है और यह अजीब वरीब नाम है इमाम गजाली फरमाते हैं कि सब के लिए काफ़ी हो जाने वाला सिवायो और हो ही नहीं सकता इसे को कोई दूसरा किसी के अगर काफ़ी हो तो वो किफायत का तो मोहताज होगा मतलब माँ जो है बच्चों को दूध पिलाती है बच्चे के लिए काफी हो जाती है उसको दूध पिलाती है उसका ख्याल करती है लेकिन किफ़ायत जिसकी वजह से करती है वो किसी और से लेती है तोफी देता है उसकी छाती दूध उतारता है अल्लाह तो वो आगे पिला वो खा ग़ा खाती है तो उसको दूध में कणवर अल्लाह करता है तो वो आगे पिलाती है तो दुनिया की कोई भी चीज़ उठा के देख ले फरमाए वो खुद किफ़ायत की तो मोहताज होगी लेकिन अल्लाह अपनी में किफायत का मोहताज नहीं मुस्तिल भी ज़ात है इसलिए वो सब के लिए काफ़ी है तो हसीब फरमाए कि हकीकत में वो सिर्फ़ अल्लाह ही को कहा जा सकता है किसी और को हसीब कहना भी जो है वह दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो ज़ाहिर वो फिर किफ़ायत का मोताज है और किफ़ायत किसी और की तरफ़ से आती है यानी अल्लाह की तरफ़ से आती है तो वो हकीकत में तो काफ़ी ना हुआ वो तो किसी और का मोताज हुआ और अल्लाह ऐसा किफायत करने वाला है कि आसमानों में चाद सूरज सितारे जो फ़िज़ा के अंदर मालक हैं और एक एक स्यारा इतना बड़ा है कि जनाब ज़मीन उसके सामने कुछ भी नहीं है गेरे तो मलिया मेट कर दे लेकिन वो फिज़ा के अंदर बग़ैर किसी रस्सी के लटके हुए हैं एक मदार में घूम रहे हैं ये किस लिए वो अल्लाह की किफ़ायत की ताकत से हो रहा है आसमान जो बग़ैर सतूनों के जो खड़ा है फरमा ये हसीब की ज़ात ने उसको संभाला हुआ है कि हसीब उसके लिए काफ़ी हो है। तो अल्लाह की किफायत ने उस आसमान को बग़ैर सतूनों के उठाया हुआ है और इतनी वसी जो ज़मीन है और ज़मीन जो है हर एक को निगलती नहीं है बल्कि इतनी नरम है कि लेटो तो इंसान को नींद भी आ जाए ऐसी सख्त नहीं है जैसे पत्थर और ऐसी नरम नहीं जैसे पानी कि लेटे तो गर्क हो जाए तो ये जो एक ख़ास उसके अंदर जो अल्लाह ने इसको रखा है ये एतदाल ये भी अल्लाह की किफ़ायत की ताकत से है तो गो कि हर चीज़ जो भी नज़र आती है फल अगर टहनियों में लटके हुए हैं तो अल्लाह की किफ़ायत की ताकत से लटके हुए हैं वह अल्लाह वो सारे के सारे गिर जाया करें तो वो पकेंगे कब तो अल्लाह उनको एक सर्टन मुद्दत तक लटकाए रखता है किफ़ायत करता है उसके बाद वो जब पक जाते हैं अब गिरने के काबिल इतने में इंसान काट लेता उनको तो फिर ये किफ़ायत ये तो हसीब का लफ्ज़ जो है ऐसा बामाल है कि अगर किसी को इसका इजलाल अगर हासिल हो गया तो ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर जो है वो कोई नाकामी का उस तस्वुर ही नहीं यहाँ तक कि इसके फजायल फ़वायद में लिखा है कि अगर किसी को ये डर हो कि मेरा माल चोरी हो जाता है या जो है मेरे घर के अंदर चोर दाखिल हो जाएंगे या सफ़र में जा रहे यार चोरी चोरी का खतरा है जेब कटने का ख़तरा है तो खास तौर पे ये दुकानों पे गले पे जब बैठा होता है कोई तो वो पता चलता गल में से पैसे कैश निकाल दिया यहां भी बहुत से वाक़ होते हैं उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है पर मैं कि अगर कोई इसके अपने आदत के अतबार से जिस ए टीज़ का आदत है वो या वो बंदा अपने नाम के आदत के अतबार से हर नमाज के बाद विरध कर लिया करे और दुआ कर लिया करे या अल्लाह मेरी ये चोरी होती है मेरे माल में से मेरे पैसे में से फला फ़लाँ इसमें तो किफ़ायत फरमा और उसको हिफाजत दे फरमाया कि मजाल ही नहीं कि चोर उसके करीबा ही बल्कि फरमाया कि अगर कोई चोर उसकी चोरी की कोशिश करेगा उस पर एक ऐसी खौफ और दहशत तारी हो जाएगा कि वो चोरी से बाज आ जाएगा वह आपका माल चोरी करने से बाज आ जाएगा तो ये इसमें खूबी है तो इसका विद करें दूसरा किसी दुश्मन का डर है कि फ़ला दुश्मन या मुझ पर अटैक ना कर दे जबान से हमला करेगा मुझे तकरीब रसुआ ना कर दे या हाथ से हमला करके मुझे नुकसान न पहुंचाए, या असले के जरिए से कोई तकलीफ पहुंचाए, तो दुश्मन किसी भी नोयीत की तकलीफ पहुंचा सकता है उसको डर है और वो उस जगह पर जाते हुए खौफ महसूस कर रहा है तो फिर मैं कह या हसीबू के अंदर वो ताकत है कि वो जो वो दुश्मन तस्वूर भी नहीं कर सकता फिर मैं कि या हसीबू जो है वह तीन सौ तेरह दफ़ा पढ़े या जो वो अपने नाम के अदर के अतबार से पढ़े और पढ़ के ऊपर ऊपर दम कर ले अवला की ग्यारह मत बद्रशीफ और अब वो उस मुकाम पर चला जाए इन कोई माई का लाल जो है इसके सामने आँख नहीं उठा सकेगा ये इसमें खूबी है और ये खूबी इसके अंदर यह है कि एक आदमी को फ़कर व फाक़ा का खौफ है जैसे आज आजकल नौकरी चले जाने का खौफ होता लोक जी वो हमारी कंपनी को बड़ी कंपनी ने ख़रीद लिया तो ख़तरा है कि मेरी जॉब न चली जाए और ख़तरा है कि मुझे निकाल ना दें उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है कि या हसीबों में कि इंसान जो है या तो वो जो कंपनी है उस कंपनी के ना, नाम के अदद के अतबार से ठीक है ना और उसके कंपनी के नाम की अदद निकाल सकता है तो बहुत अच्छा है भाई शैल शेल जो है वो शैल गैस है शेल के निकाल लिए अदद हैं इससे और जो है कंपनियों के नाम है कोई भी तो निकाल लिया नाम उसके निकाल सकता तो बहुत अच्छा है नहीं तो फिर अपने नाम के अद के अतबार से जो उसके अपने वो भी नहीं पता तो खुद इसके नाम के अदद जो ए टी हैं अस्सी अस्सी के अतबार से हर नमाज के बाद ये पढ़ता रहे और ये दुआ करता अल्लाह मैं मुझे ख़तरा है कि मैं कहीं जो नौकरी से निकल ना जाऊँ और ये कंपनी मुझे निकालना दे या ये कि जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके अंदर एक डायरेक्टर जो बड़ा खुनकी लगता था कहीं ये ना हो कि मुझे रिजेक्ट कर दे ये खतरा थे और मैं ये दुआ करे कि माई का लाल कहते उसकी उसे रड नहीं कर सकता इन शाला अगर इसके अंदर जो है टैलेंट है वह कि ये मेरिट पर है इसको लाजमी नौकरी मिलेगी और निकालेगा कोई ये इसमें बड़ी खूबी है बहुत और उसके अलावा यह कि इंसान जो है कोई ऐसी बहुत मुश्किल काम है कि जो हल नहीं हो रहा उसके लिए से सारे टिल लगा लिया कोई सोर्स बन ही नहीं रही तो क्योंकि मुश्किल मुहम को हल करने के लिए इसमें बड़ी तासीर लेकिन उसको जरा यूं पढ़ना है हसब अल्लाह हसीब हसब्ला पहले पढ़ना फिर हसीब आखिर में मिला ला तो हसब्ला हसीब जो है ये इतनी जो दुआ इसको मगरब के बाद मगरब के बाद तीन सौ तेरह दफा पढ़े या ये कि वो जो मुहम या परेशानी है जो हाजत तो उसकी उसके आदत के अतबार से पढ़े या अस्सी को तीन पर मल्टीप्लाई कर ले अस्सी को तीन पर मल्टीप्लाई करके जितना आ जाए उतनी दफ़ा पढ़े हसब अल्ल हसीब अलाखी ग्यारह मरतरद इब्राहिमी और पढ़ के दुआ कर ले इनशा ऐसी गैब से मदद होगी कि वह जो भी मुश्किल काम है वह आसानी हो जाएगी इसके लिए ये इसके अंदर खूबी और एक खूबी है कि हर वक्त की हिफाजत चाहता है हर वक्त और हर चीज़ में किफ़ायत चाहता है और अगर चाहते हैं मेरे बीवी बच्चों की भी किफायत हो तो उनको भी अपने जहन में ले सकता है तो चलते फिरते हर वक्त इसका विरध रखे या हसीबो या हसीबो या हसीबो और नीयत रखे कि अल्लाह में बाजार जा रो मेरी किफ़ायत फरमा ये चीज़ लें मेरी किफ़ायत फरमा मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो जो जो जहाँ कर रहे हैं यार उनकी तो आप किफ़ायत फरमा तो अल्लाह इन सब के लिए काफ़ी हो जाएगा और अल्लाह जब काफ़ी हो गया तो मैंने बताया कि अल्लाह ही वजहत है जो काफ़ी होने वाली है क्योंकि वो तो किसी किफायत का भी मोहताज नहीं क्योंकि खुद किफायत को पैदा करने वाला वो खुद ही है Hmm. तो लिहाजा वो जब साथ, साथ हो गया तो आपके और आपके जो है प्यारों की जो है मदद के लिए अल्लाह की जात तैयार रहती है सुबह ये इसमें ख़ूबी है और दूसरा ये कि बच्चे जो हैं, औलाद बाद दफ़ा जो है वो कहते हैं कि बिगड़ जाती है और औलाद को तालीम तरबियत भी दी आपने उसको जहरी तालीम भी दी और कुरान सुनत भी सिखा दी होते यहाँ वीकेंड के इस्लामिक इस्कूल भी सिखा दिए लेकर बच्चा हाई स्कूल गया तो जनाब उसकी रंग ही बदल गए परेशान नज़रियात चेंज हो रहे अब जो ये अल्लाह के सफर करके हंसबील्ल्ला हसीब का विर शुरू कर दे उस बच्चे के नाम की आदत के द्वार से उसके बच्चे के नाम की जितनी आदत हैं मतलब दो सौ पंद्रह बनते हैं तो दो सौ पंद्रह मरतबा हसबी अल्ला हसीब पढ़े और कह कि ये बच्चा जो है कि आप इसके लिए काफ़ी हो जाइए मतलब इसकी जो है असलाह कर दी इसके दिल को आप अपनी मुहब्बत में रख दीजिए ये शुरू कर दो नब्बे दिन पाबंदी से करे और अगर दम करके पानी पिला सकता तो बहुत अच्छा है इन शाला बिगड़ा हुआ बच्चा जो है राय रास्त पर आ जाएगा सुबह ये इसमें खूबी और ख़्वाब में ताबीर का ताल्लुक यह है कि अगर ख्वाब में देखा हसीब तो इसका मतलब है अल्लाह तबारक व ताला इसको दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त राहत की जिंदगी अता फरमाएंगे और तोबा की तोहफी देकर आखिरत में भी इन श्ला तबारक ताला इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे सुबह हजरत मुझे तो बात यह समझ आई कि आपने आज एक फार्मूला बता दिया ढाल अपने ऊपर ढाल बनाने का <laughs> है ना ऐसी ढाल आप अगर अल्लाह की या हसीबों की ढाल आप अपने ऊपर डाल लें तो हर चीज से हिफाजत होगी ठीक है ना ये ऐसी है है। चाहे वो आपकी नौकरी हो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो चाहे वो आपके बिगड़े हुए बच्चे हों चाहे वो आपके दुश्मन हो किसी से भी बचने के लिए और सही करने के लिए इस ढाल का इस्तेमाल कर बिल्कुल सही है नो तो मतलब और क्या और क्या दे सकते हैं तो ये, ये ये, कितने बच्चे माँ बाप के फोन आते हैं पिछले हफ्ते भी था कि जी बच्चे बिगड़ गए काबू में नहीं है भार। बच्चा भार। काबू में नहीं है सही बात तो तो ये तो आपने फार्मूला एक और दे दिया अल्लाह ऐसी काम की बातें हैं कि मैं मैं सुनता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि मैं ये किसको और बताऊँ किसको बताऊँ कि जिनके लिए ये कार हो सके और मेरा ख्याल है हम सबके लिए ही कार आमद है ये हर आम जिंदगी के लिए कार है सबकी नौकरियां हैं, उनको इश्यूज़ होते हैं बॉसेस से भी और नई नौकरियों से हर एक को हिफाजत की जरूरत तो है नजम्बर दुश्मन से भी और चोरों से भी तो तो, तो तो ये ये सुबहान अल हसीब और दूसरी एक बात और मुझे इसमें बड़ी कारामद लगी और आसान लगी सिर्फ अस्सी दफा की अस... बात है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है <laughs> इस आदत अच्छी बिल्कुल अगर कुछ असा... और पता ना हो नंबर तो अस्सी तो है अस्सी तो है तो ही सही बात तो क्या बात है सुबहान अल्लाह बहुत खूब